नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम टू editplatter.com। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। पिछले 3 दिन आपसे संवाद नहीं कर पाया, उसके लिए क्षमा, लेकिन प्रयास ये कि आज से फिर रोजाना जुड़ा जाए सवेरे की सुर्खियों के साथ। तो आज की बड़ी खबरें, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके, लेकिन पंजाब, गोवा और मणिपुर के अतिरिक्त अभी भी चुकी उत्तराखंड और यूपी में मुख्यमंत्री बनने बाकी हैं, चुने जाने बाकी हैं। इसलिए वो बड़ी सुर्खी कि कौन बनेगा कहां मुख्यमंत्री। विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक है आज देहरादून में, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगेगी। बताया जा रहा है कि पार्टी हाईकमान यानी प्रधानमंत्री और अध्यक्ष अमित शाह ने पहले ही तय कर लिया है त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम। एक आरएसएस प्रचारक रहे हुए हैं ये, 2 बार से ज्यादा विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड सरकार में, काफी ईमानदार और साफ सुथरे व्यक्तित्व के मालिक बताए जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में नाम किसका होगा मुख्यमंत्री पद के लिए, उस पर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। केशव प्रसाद मौर्य जो पार्टी के अध्यक्ष थे बीजेपी में, उनको बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जी ने नाम सुझाने के लिए कहा। सुनते हैं कि उसकी वजह से उनकी तबीयत इतनी गड़बड़ा गई, क्योंकि शायद उनकी ये समझ में आया कि वो तो रेस से बाहर हो गए, उनको तो अब कहा जा रहा है कि नाम बताए कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो वो यहाँ पे दिल्ली में आरएमएल अस्पताल के आईसीयू में कल भर्ती थे। अभी ताजा स्थिति क्या है उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि मनोज सिन्हा जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, वो शायद इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। कुछ और नाम भी हैं, लेकिन उस पर फैसला होना अभी बाकी है। भूपेंद्र यादव जो पार्टी के महासचिव हैं, अमित शाह के नजदीकी हैं, वो लखनऊ जाएंगे। ही विल बी वन ऑफ द 2 सेंट्रल ऑब्जर्वर्स हु विल ओवरसी द पार्टी लेजिस्लेचर्स मीटिंग देयर। लेकिन आई एम श्योर कि प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह यूपी के संदर्भ में अवध की गद्दी किसको मिलेगी उस पर भी फैसला ले चुके होंगे। उधर कल मनोहर पर्रिकर ने विश्वास मत जीत लिया गोवा असेंबली में, उन्हें मिले 22 वोट। उनके पास 21 थे लेकिन 22 वोट मिले। कांग्रेस के पास 17 विधायक थे, उनको 16, तो 22-16 के अंतर से बीजेपी मनोहर पर्रिकर ने विश्वास मत जीता। और जले पर नमक छिड़कने जैसी बात क्या हुई कि प्रताप सिंह राणे के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के बेटे विश्वजीत राणे जो अब विधायक हैं, उन्होंने कल इस्तीफा भी दे दिया पार्टी से, विधानसभा की सदस्यता से भी, ये कहते हुए कि दिग्विजय सिंह जी ने जो बयान जारी किया था उनके खिलाफ कि वो बीजेपी के नेताओं के साथ मिल रहे हैं, पीए बढ़ा रहे हैं, वो बहुत ही गलत बयान था, बिल्कुल जले पर नमक छिड़कने जैसा था। बिल्कुल ऐसा था कि खुद तो काम किया नहीं, पार्टी तो हाईकमान तो सोता रहा, पार्टी आगे रही लेकिन सरकार बीजेपी की बन गई, और अब ब्लेम किया जा रहा है मुझे यानी विश्वजीत राणे को। तो उन्होंने भी नाराजगी में पार्टी छोड़ दी है। तो कांग्रेस की स्थितियां और दुष्कर होती जा रही है और मुश्किल होती जा रही है। और इन्हीं सब बदलती परिस्थितियों में बात चल पड़ी है महागठबंधन की, कि कैसे यूपी जैसे राज्यों में 2019 के लिए सीपी जोशी ने कहा है, मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, सब तमाम एंटी मोदी फोर्सेस एक छतरी के नीचे आए, तभी मोदी का ये विजयी महाविजयी अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा शायद रुक पाए। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? पहली बात तो क्या ऐसे गठबंधन बन पाएंगे, और दूसरी बात यह कि क्या बिहार में जैसे नीतीश लालू का गठबंधन कामयाब हुआ था, क्या दूसरे राज्यों में भी बन सकता है? ध्यान रखने की बात है कि बिहार में महागठबंधन के पास नीतीश कुमार का एक आकर्षक चेहरा था, एक प्रभावी चेहरा था, एक ऐसा चेहरा था जो अच्छे काम के लिए, सुशासन के लिए बिहार में अपनी पैठ बना चुका था। तो सिर्फ एक अरिथमेटिक से कुछ नहीं होगा, आने वाले दिनों में केमिस्ट्री की भी जरूरत होगी, तभी मोदी का रथ शायद रुक पाएगा। ऐसा कई राजनीतिक पंडित मानते हैं। राजदीप सरदेसाई का भी एक लेख है, हिंदुस्तान टाइम्स में छपा है, इंटरेस्टिंग पीस है। कुल मिला के बात यह है कि मोदी को आप सिंपल गणित से नहीं मार पाएंगे, चुनावी हार नहीं दे पाएंगे। उसके लिए ऑपोजिशन को बकायदा एक नैरेटिव सोचना पड़ेगा, एक कहानी सोचनी पड़ेगी, एक अच्छा इस तरह का कुछ पेश करना पड़ेगा विकल्प जनता के सामने, जिससे कि लोग उनको सीरियसली लें। अभी तो स्थिति यह है कि ऑपोजिशन को ज्यादातर लोग एक गैर रिस्पॉन्सिव, गैर जिम्मेदार मानते हैं, एक ऐसा गठबंधन या ऐसा गुट मानते हैं जिसका काम सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की आलोचना करना है, और ऐसी बातों से दाल नहीं गलने वाली है। उनको सरकार का समर्थन करना पड़ेगा, जीएसटी जैसे विषयों पर उनको एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन की तरह बिहेव करना पड़ेगा, पार्लियामेंट का बायकॉट शायद रोकना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के नेताओं को यह बात समझ में आ रही है। कल यहाँ पे एक सम्मेलन था जिसको मैंने मॉडरेट किया था, एक डिस्कशन को इलेक्शन में, मनीष तिवाड़ी थे वहां पे, जीवीएल नरसिम्हा राव थे। मुझे कुल मिला के लगा कि कांग्रेस अभी भी कहीं पास्ट में जी रही है, जो पास्ट प्रेसिडेंट्स हैं, 2004 में किस तरह से कांग्रेस वापस आई,
और 1980 और 90 और 70 के दशक के एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, मुझे लगता है कि आज की राजनीति में वो सब विगत के उदाहरण सही नहीं है और प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि जमीन बदल चुकी है राजनीतिक। मोदी जिस तरह से पैराडाइम चेंज कर रहे हैं, नैरेटिव चेंज कर रहे हैं, उससे कांग्रेस को और अन्य विपक्षी दलों को बिल्कुल सहज होना पड़ेगा और फिर उसके अनुसार रणनीति बनानी पड़ेगी। अब मोदी जी की बात चल पड़ी है तो बताया उन्होंने पार्टी के एमपीस की बैठक ली और उसमें जैसे उनका पहले एक बयान था ना खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा, उसी तरह उन्होंने एक और बयान दिया है ना खुद आराम से बैठूंगा ना किसी को बैठने दूंगा। तो वो तो अभी से ही नेक्स्ट इलेक्शन के लिए सारे एमपीस को जमीन पर उतारने की तैयारी कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं लोग जाओ भीम ऐप की जानकारी दो, अंबेडकर साहब की एनिवर्सरी है नेक्स्ट मंथ, उसके बारे में क्या स्कीम चला रहे हैं, क्या कल्याणकारी योजना है सरकार की, उनके बारे में सबको जानकारी दें। तो ये पार्टी और ये कंबाइंड मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड मिस्टर अमित शाह, ये तो 24/7 365 डेज इलेक्शन मोड में रहता है। कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन को भी उसी तरह की सक्रियता, उसी तरह के एक एनर्जी की आवश्यकता है जो अभी कहीं नहीं दिख रही है। इसके अलावा और भी कई बड़ी इंटरेस्टिंग बड़ी खबरें हैं एडिट प्लैटर पर लगी हुई है, मेरे साथियों की पॉडकास्ट आप सुनेंगे, अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर शिवकांत की गागर में सागर आप सुनेंगे, जैसे कि एक ट्रंप साहब ने जो आरोप लगाया था ओबामा पर कि उनका ओबामा प्रशासन ने ट्रंप टावर्स में एक तरह से उसकी रिकॉर्डिंग करवाई है, जासूसी करवाई है, उसको एक अमरीकी सेनेट कम्युनिटी ने उस बात को, उस आरोप को गलत करार दे दिया है। तो इस तरह के विषयों पर काफी विस्तृत अंदाज में आप शिवकांत की पॉडकास्ट सुन पाएंगे और साथ ही मेरे पूर्व बीबीसी के सहयोगियों की मणिकांत ठाकुर, उमर फारूक, उनकी पॉडकास्ट सुनेंगे आप पटना से, हैदराबाद से, जयपुर से नारायण बारेट, और भी मेरे कुलीग्स की पॉडकास्ट सुन पाएंगे। और देश और दुनिया के बेहतरीन समाचार और विश्लेषण भी आपको एडिट प्लैटर पे देखने को मिलेंगे। हमारा ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉइड और आईओएस दोनों वर्जन उपलब्ध हैं। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति, कल मुलाकात होती है सुबह, नमस्कार।